ये है मेरे पास Realme का GT Neo 2 डिवाइस, जिसके अंदर मैं अभी MIUI का एक सुपर लाइव वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। और ये सेम सुपर लाइव वॉलपेपर आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो, चाहे वो कस्टम रोम हो या फिर उनका खुद का स्टॉक क्यों ना हो। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये जो सुपर लाइव वॉलपेपर आते हैं ना, ये ऑफिशियली Xiaomi के डिवाइसेज पे ही काम करते हैं, चाहे वो Redmi का हो, MI का हो या फिर Poco का हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरीके से लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करके, तो वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अप्लाई करने के बाद लॉक स्क्रीन पे भी और यहाँ पे अनलॉक कर देने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर भी। और सेम चीज़ें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने Realme के डिवाइस के अंदर। तो एक्टिवेशन का पूरा डिटेल आपको मिलेगा। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए इन फ्यूचर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आप ये देख सकते हो कि मेरे पास Realme का GT Neo 2 है, जिसे मैंने यहाँ पे अभी एक्टिवेट कर रखा है। और ये मेरे पास दूसरा Realme का डिवाइस है, जो कि X7 Max है, और इसके ऊपर मैं एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल पाए प्रॉपर कि इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको दो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सुपर लाइव वॉलपेपर का, जिसे आपको डाउनलोड करना है। और ये सुपर लाइव वॉलपेपर के जो APK हैं, ये आपके किसी भी कस्टम या एंड्रॉयड रोम के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है, ना कि ऑफिशियल। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल इसका APK निकाल के आप दूसरे फोन में इंस्टॉल करते हो तो वहां पे एरर आएगा या फिर काम नहीं करेगा, बट ये पोर्ट किया गया है सभी एंड्रॉइड के लिए। तो आपको बस क्या करना है, डाउनलोड कर लेने के बाद इस तरीके से अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, जो भी सुपर लाइव वॉलपेपर आप यूज करना चाहते हो, या फिर अर्थ का हो या फिर दोनों यूज करना है, तो आप दोनों को रख सकते हो, ताकि आप टाइम के अनुसार मैनुअली ये जो चेंज कर सको। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको होम स्क्रीन पे आना है और इनका जो वॉलपेपर का APK है उसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप देख सकते हो तो यहाँ पे वॉलपेपर का एक APK आ चुका है, मार्स का, और दूसरा अर्थ का देखने को मिल रहा है। तो जो भी आपको अप्लाई करना है उसे ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि पहले वाले पोर्ट में हमें देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे नेम दिए गए हैं अलग अलग लुक का, तो आपको अपने अनुसार जो भी लुक चाहिए उसे सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। लेकिन जब भी आप किसी भी डिवाइस अंदर फर्स्ट टाइम में ट्राई करोगे तो ये सिंपल काम नहीं करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि गूगल वॉलपेपर है। इसे डाउनलोड करके आपको ओपन करना है, परमिशन देना है, उसके सबसे नीचे आना है, जहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर का सेशन देखने को मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करना है, और जो वॉलपेपर आपने इंस्टॉल कर रखा है ना लाइव वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुके हैं। पहले मैंने आईफोन वाला किया था, जिसका वीडियो दिया था, तो ये रहा हमारे पास मार्स का। इसे सिलेक्ट करेंगे और एक बार यहाँ पे अप्लाई चेंज पे कर देंगे लॉक एंड होम स्क्रीन के ऊपर। अब ये अप्लाई होकर बाहर आ जाएगा और अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि होम स्क्रीन पे ये सेट हो चुका है। अगर मैं इसे लॉक कर दूँ और टैप करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी ये वॉलपेपर देखने को हमें मिल जाता है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके अंदर कोई भी बदलाव लाना है तो इसका जो मार्स का APK दिया गया था ना, उस पर आप जा सकते हो और जो जो यहाँ पे नेम दिए गए हैं उसे आप यहाँ से अप्लाई करके बदलाव ला सकते हो वॉलपेपर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो लुक चेंज हो चुका है, फिर से चेंज करते हैं तो फिर से यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल ही लाइव रहता है। और जिस तरीके से आप होम स्क्रीन के ऐप्स को मूव करोगे उस तरीके से यहाँ पे मोशन है जो देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा लुक तो भाई जब हम अनलॉक करते हैं ना अपने फ़ोन को या लॉक करते हैं, तब इसका एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने पहला अप्लाई कर लिया है और दूसरा अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा। पहले वॉलपेपर के अंदर ही आपको बदलाव दिखाई देगा, लेकिन दूसरा वॉलपेपर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर से आपको जो यहाँ पे गूगल का वॉलपेपर है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से लाइव पे जाना है और जो सेकेंड इस वॉलपेपर था जो आप यूज करना चाहते हो अर्थ का, उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे सेकेंड वाला वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है। अब फिर से जो भी आपको लोकेशन चेंज करना है ना, इसके सेटिंग में आके आप है जो यहाँ से इस तरीके से बदल सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक अमेजिंग सा लुक आपको देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के ऊपर, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। तो आई होप सो गाइज कि आपको पूरा गाइड मिल चुका है कि इस सुपर लाइव वॉलपेपर को कैसे किसी भी अदर डिवाइस के अंदर यूज करना है, जबकि जो इनका ऑफिशियल सपोर्ट होता है उनमें तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। बस आपको ओपन करना है और जो भी आपको एरिया चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से और अप्लाई कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा। ये तो ऑफिशियल का तरीका है, बट ये सारे पोर्ट हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको अभी बताया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।